एक कम्युनिटी के आपने तीन टुकड़े कर दिए, आपने कैटेगरी विद इन कैटेगरी कर दिया, जाति उनके गले में डाल दी गई बाय बर्थ। सरकार और सरकार के संस्थान जो हैं वो एक तरीके से नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक्स का विकास हो गया और वाई का नहीं हो पाया। ये कास्ट सेंसस हो जाए, सरकार उस लेटरल एंट्री में हुआ है कि उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया, लेकिन उस विज्ञापन के आने से पहले आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 60 के आसपास नियुक्तियां भारत सरकार की तरफ से ऑलरेडी हो चुकी थी सेक्रेटरी लेवल में, जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी डायरेक्टर के लेवल पर। और इसीलिए इस बात को लेकर के पूरा जो है नाराजगी है लोगों के बीच में, पूरे देश में लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपने किस आधार पर यह तय कर लिया, किस आधार पर मान लिया। तो जंतर मंतर पे हमारे साथ है जितेंद्र मीना साहब। मीना जी क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों का विकास हो गया है, जाटों का विकास हो गया है इसलिए वर्गीकरण किया जा रहा है, ये कैसे तय हो गया कि किसका विकास हुआ किसका नहीं हुआ? ये एक पूरा खेल जो परसेप्शन का है कि सरकार और सरकार के संस्थान जो हैं वो एक तरीके से नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक्स का विकास हो गया और वाई का नहीं हो पाया। इसीलिए लगातार इस देश में एक बहस चल रही थी कि ये कास्ट सेंसस हो जाए, और कास्ट सेंसस ही नहीं तमाम तरीके का जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में आ जाए ताकि उससे पता चल सके कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि भाई एक्चुअली में किसको कितना मिला है, किसने किसका खाया है। और आप ये कर रहे हैं कि बिना डेटा लाए जो परसेप्शन की लड़ाई पूरे देश में अलग अलग जगह सरकारी मशीनरी की तरफ से चल रही थी, उस परसेप्शन को आपने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वैलिडिटी डेटा आने के बाद आपको यह फैसला स्वीकार रहेगा? एकदम स्वीकार रहेगा। देखिए बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं कि आप जब डेटा आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि एक डेटा मेरे पास है, NSSO का डेटा है भारत सरकार का 2013 का, जो कहता है कि इस देश में लगभग 88% दलित हैं, 88% जो लैंडलेस हैं, ओके, जिनके पास 0 से 2 एकड़ के बीच में ज़मीन है। 85% ST हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास 0 से 2 एकड़ है। लगभग 80% के आसपास OBCs हैं जो लैंडलेस है, 0 से 2 एकड़ के बीच में है। भाई डेटा आएगा तो पता भी चलेगा ना कि सिर्फ अगर पूरे देश में बात करें तो ST SC OBC की जो आबादी है वो 100 करोड़ के ऊपर ऊपर है, और नौकरियां कितनी हैं टोटल 2 करोड़ के आसपास हैं। तो आप 100 करोड़ लोगों को 2 करोड़ में नहीं समा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ यही मामला नहीं है कि नौकरियों का ही मामला हो, आपको देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर किसके पास है, आपको देखना पड़ेगा कि ज़मीनें किसके पास है, आपको देखना ये भी पड़ेगा कि बाकी संसाधनों पर किसका कब्जा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों लेटरल एंट्री का एडवर्टीजमेंट आया था, हम सब ने देखा, और उस लेटरल एंट्री में हुआ है कि उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया, लेकिन उस विज्ञापन के आने से पहले आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 60 के आसपास नियुक्तियां भारत सरकार की तरफ से ऑलरेडी हो चुकी थी सेक्रेटरी लेवल में, जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी डायरेक्टर के लेवल पर। उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक भी ST SC OBC नहीं है। तो आखिर जिस परसेप्शन में कहा जा रहा है कि एक्स ले गया है, वाई ले गया है, जेड को नहीं मिला है, तो वो एक्स वाई वहाँ पर कहाँ पर है? तो इसीलिए ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है ये दरअसल बंटवारे की लड़ाई है। ये खेल ये हो रखा है कि जो काम पॉलिटिक्स नहीं कर सकती थी, जो राजनीतिक दल जो सरकार में जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस काम को किया है। और इसीलिए इस बात को लेकर के पूरा जो है नाराजगी है लोगों के बीच में, पूरे देश में लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपने किस आधार पर यह तय कर लिया, किस आधार पर मान लिया कि भाई ये फला को ज़्यादा मिला जो है दूसरे को नहीं मिला है। और इसीलिए वो जरूरी है कि चाहे कास्ट सेंसस का मसला हो, और कास्ट सेंसस ही नहीं, आप सबसे ज़रूरी है कि लैंड का भी सर्वे होना चाहिए, जो प्राइवेट नौकरियां उसका भी सर्वे होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि कौन किस कैटेगरी में किसने किसका कितना खाया है, तभी शायद सही मायने में न्याय हो पाएगा। जी हरियाणा का एग्जाम्पल दिया जाता है ना इस फैसले को लेकर, लेकिन पंजाब हरियाणा तो पूरा देश नहीं है। पंजाब हरियाणा में अगर देखेंगे तो पता चलेगा, ST का एक एग्जांपल ले लीजिए, एक कम्युनिटी ST की नहीं है हरियाणा और पंजाब में भी कोई ST नहीं है। तो भाई अब वो फैसला जो पंजाब के केस में दिया गया है उसमें आप पूरे देश के ST पे अप्लाई कर रहे हैं, और वो फैसला उस स्टेट के बारे में दिया जा रहा है जहां ST है ही नहीं। सो वापस बात वहीं आएगी कि क्या आपने उस टेक्निकलिटीज को देखा, क्या आपने ये देखा कि ST में जो 750 समाज हैं, समूह हैं, उन समूहों की क्या स्थिति है?
क्या उन्हें उसका हिस्सा मिला है। इसी तरीके से एससी में देखेंगे तो हजारों की तादाद में कम्युनिटीज़ हैं, क्या उनको वो सारी की सारी हरियाणा और पंजाब के भीतर है? ऐसा नहीं है। एक कम्युनिटी में भी आप देखेंगे तो एक हिस्सा हो सकता है उसको एडवांटेज मिला हो, लेकिन उसी कम्युनिटी का मेजोरिटी अभी भी ऐसा जिसको एडवांटेज नहीं मिला है, जिसको हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो आप कर क्या रहे हैं कि एक ही कम्युनिटी को एक राज्य में एक कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसी कम्युनिटी को दूसरे राज्य में बी कैटेगरी में डाल दिया, और उसी कम्युनिटी को तीसरे राज्य में सी कैटेगरी में डाल दिया, और उसके साथ साथ फिर आप आते हैं कि एक कम्युनिटी के आपने तीन टुकड़े कर दिए हैं। उसके बाद फिर आप एक राज्य के भीतर अलग अलग कैटेगरीज रीजन वाइज भी बना रहे हैं, जैसे राजस्थान में है कि पूर्वी राजस्थान को अलग कर दिया, साउथ राजस्थान अलग कर दिया, आपने कैटेगरी विद इन कैटेगरी कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है, ये भाई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट को एकदम आइसोलेशन में देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको देखा जाना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है, उसकी मंशा क्या है। और वो मंशा ये है कि पिछले 30 सालों में जो एसटी एससी ओबीसी की जो यूनिटी बड़े लेवल पे दिख रही थी, उस यूनिटी को तोड़ने के लिए ये हथियार लाया गया और आपके खिलाफ आप ही के दूसरे भाई को खड़ा कर दिया गया, और उसे ये समझाया गया कि आपका हिस्सा तो आपका भाई खा रहा है, जबकि एक्चुअली में उसका हिस्सा कोई और खा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक उदाहरण गवई साहब ने दिया था कि रेल के एक जनरल बॉगी में कुछ लोग चढ़ गए हैं, अब वो दूसरे लोगों का विरोध कर रहे हैं चढ़ने से, लेकिन सवाल यह है कि पूरी रेल तो आपने किसी दूसरे लोगों के लिए रिजर्व कर रखी है, आप जनरल डब्बे में ही क्यों एसटीएससी को घुसाना चाहते हैं? पूरी रेल पे हिस्सेदारी होनी चाहिए, जब बंटवारा होगा तो एक ही बॉगी क्यों हो गई? तो जो 7.5% और 15% का जो कैपिंग है उसी में डिवीजन क्यों होगा? इसको आप बढ़ाइए, 50% की सीलिंग को ब्रेक कीजिए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो पुरानी डिमांड थी कि जिसकी जितनी संख्या है आप एसटी एससी ओबीसी की जनगणना हो और 85% तक जितनी जाती आबादी उस हिसाब से रिजर्वेशन करके आप डिवीजन कर दीजिए। और सिर्फ नौकरियों का नहीं, हम कह रहे हैं कि आप उसके बाद में जितने भी संस्थान हैं उनका भी कीजिए, रिसोर्सेज का भी कीजिए, जमीनों का भी कीजिए, प्राइवेट सेक्टर का भी कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप नौकरी के नाम पर दरअसल लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, बंटवारे का कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि जाति देख के डॉक्टर के पास जाते हो क्या, जाति देख के दुकान में जाते हो क्या, जाति देख के मेट्रो में जाते हो क्या, तो फिर जाति के नाम पे ही आरक्षण क्यों ले रहे हो? ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? अभी भी इस तरह के सवाल, वो ऐसे लोगों को तो है ना, तो देश की समझ है ना जाति की समझ है। जाति इस देश की हकीकत है, इस देश की बुनियाद में है। अगर जाति इस देश की बुनियाद में नहीं होती तो बाबा साहब को इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बहुत कुछ कहा, और बाबा साहब ही नहीं, तमाम जो हमारे पुरखे हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उन सब ने ये बातें कही हैं कि भाई जाति इस देश के मूल में है। एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी घोड़ी पर बैठ के शादी करने जाने के लिए अगर इजाजत लेने की जरूरत है तो ये समझने की जरूरत है कि जाति इस देश के मूल में है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जाति देख करके डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ बिल्कुल, जाति देख करके आप डॉक्टर बना रहे हैं। डॉक्टर के पास जाना तो दूसरी चीज है, डॉक्टर तो आप जाति देख करके ही बना रहे हैं। कौन लोग हैं जो आज की तारीख में आईआईटीज में आईआईएम में पढ़ रहे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, उसमें ज्यादातर एसटी एससी ओबीसी को तो बाहर कर रखा है, तो आपने जाति देख करके तो उनको तो बाहर ही कर दिया। आज की तारीख है आईआईएम में पूरे जो है लगभग 22-23 आईआईएम है, उसमें सिंगल डिजिट में एससी समाज के लोग हैं, जीरो जो है एसटी हैं। तो उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा उसके लिए तो पहले ही आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी। तो जाहिर सी बात है कि आपने जाति देख करके डॉक्टर बनाया, जाति देख करके आपने इंजीनियर्स बनाए, जाति देख करके आपने सिस्टम को बनाया, और वही जाति के नाम पर जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई जाति हमने नहीं बनाई, एसटी एससी ओबीसी के लोगों ने जाति नहीं बनाई थी, जाति उनके गले में डाल दी गई बाय बर्थ, पैदा होने के साथ में। हम उस बात को कह रहे हैं कि ये जाति का जो माथे पे आप लिख करके चल रहे हैं, जब आप गांव में जाएंगे तो गांव के देख करके आप बता सकते हैं कि ये गांव का कौन सा हिस्सा किस कम्युनिटी का हो सकता है, कि ये जो गांव में दक्षिण टोला है, ये दक्षिण टोले में दलित ही क्यों है, दक्षिण टोले में दलित ही क्यों है, बाकी अपर कास्ट क्यों नहीं है दक्षिण टोला में, और वो दक्षिण टोला ही क्यों है। इसीलिए जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो समझना बहुत जरूरी है, और उनको भी समझना होगा कि जाति इस देश की बुनियाद में है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं।
और अगर इस देश की बुनियाद में जाति नहीं होती तो तमाम तरीके की चीजें हम लोग नहीं देख पाते, इसीलिए जी। लेकिन सर क्रीमी लेयर को लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए कहा जाता है, लेकिन जनरल के लिए क्यों नहीं कहा जाता क्रीमी लेयर की, वहां भी लागू होनी चाहिए? देखिए ईडब्ल्यूएस तो क्रीमी लेयर के बेसिस पर ही है, एसटी एससी को लेकर के जो क्रीमी लेयर की बहस हो रही है वो आप देखिए तो दरअसल जो जनरल परसेप्शन बनाया जा रहा है रिजर्वेशन को लेकर के कि भाई रिजर्वेशन कास्ट की लाइन पे नहीं होकर के जो है गरीबी की लाइन पे होना चाहिए, वो परसेप्शन की लड़ाई में वो खेल रहे हैं। जबकि आप देखेंगे तो एसटी एससी का रिजर्वेशन जो देखेंगे तो पता चलेगा कि वो इकोनॉमिक लाइन पे नहीं है, गरीबी की लाइन पे नहीं है, उनके साथ जो सामाजिक भेदभाव हुआ है, जो ऐतिहासिक तौर पर ऐतिहासिक दौर में जो पिछले दौर में जो भेदभाव हुआ उस भेदभाव के मद्देनजर आप देखेंगे तो पता चलेगा उसके लाइन पे आपको स्टेटस मिला। जैसे एसटी का ले लीजिए, एसटी का पहला सूची जो बना, पहला सूची आज़ादी के बाद 1949 के आसपास बनता है, और उस सूची का पहला आधार ये था कि जिन कम्युनिटीज़ को पूरे देश में क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा हासिल था उनको सबसे पहले लिस्टिंग किया गया, तो वो क्रिमिनल पूरी कम्युनिटी को जब आपने क्रिमिनल बनाया तो वो गरीबी की लाइन पर क्रिमिनल नहीं बनाया था, आपने उस पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनल बना के रखा हुआ था। 127 कम्युनिटीज इस देश में थी जो क्रिमिनल ट्राइब के टैग के साथ जी रही थी। इसी तरीके से एससी की सूची जब 1935 में बनती है तो उसमें जो सामाजिक भेदभाव उस दौर में जो लोग जी रहे थे, जो भेदभाव के शिकार थे, उस भेदभाव के आधार पर बनी। अब वो लगातार उसको चाह रहे हैं कि आप उसको भूल करके इकोनॉमिक लाइन पे आ जाइए, जबकि ऐसा नहीं है। आपका पूरा सोशल ऑर्डर जो है आपकी जाति पर टिका हुआ है, वो गरीबी पर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ हमारे पीछे कई युवा जो हैं जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जो 1 अगस्त को आया है कि एससी एसटी कोटे में सब कोटा बनाया जाए और क्रीमी लेयर लागू किया जाए। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे, आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।